आप इमेजिन कर सकते हो। मरकरी, और मरकरी की फोर्स लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। आप मरकरी लो, मोल्टन मेटल, आप उसको अपना हाथ डालो मरकरी में, बाहर निकाल लो, बिल्कुल सूखा हाथ आएगा, गीली नहीं हो सकती, चिपक नहीं सकती मरकरी आपके हाथ पे। अगर आपने उसको देखा भी हो हल्का हल्का टच करके, तो भागती है। क्यों? क्योंकि मरकरी, मरकरी की मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो दूर भागती है। तो इस तरीके से वो इस तरीके से सरफेस एक्वायर कर लेती है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, स्फेरिकल शेप होना, और ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सरफेस टेंशन के हैं। और सरफेस टेंशन ये बोलती है कि कोई भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सरफेस टेंशन का। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये हैंड रिटर्न देखना कहां पे, पेज नंबर, पेज नंबर 18 पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है। मैं समझा देता हूं ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और ये डायग्राम्स कैसे शो करते हैं। कई लिक्विड्स ऐसे होते हैं, कई लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका, जिनकी जो शेप है ट्यूब के अंदर वो फ्लैट होती है, सीधे होते हैं, पर ज्यादातर ऐसे नहीं होते। ज्यादातर जो लिक्विड है उनकी शेप ऐसी होती है, और कई लिक्विड मरकरी जैसे लिक्विड है जिनकी शेप ऐसी होती है, चिपकते नहीं ना। मरकरी, मरकरी चिपकती है तो वॉल से चिपक नहीं पाती, पानी चिपकता है तभी तो वॉल तक जा रहा है और बीच में कम हो रहा है। तो इस शेप को हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो इसका मेनिस्कस फ्लैट है, इसका इस तरीके से कर्व्ड है, इसका इस तरीके से कर्व्ड है। ठीक, तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि कर्व क्यों होता है। एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा और एक मैथमेटिकल समझाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। सिंपल तरीके से बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेट अस सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, जो भी डायग्राम हमने देखा भी था अभी, ये वाला, ये लिक्विड है। इसके अंदर लेट अस सपोज आपने कंटेनर के इस तरफ के मॉलिक्यूल को कंसिडर किया। मान लो ये मॉलिक्यूल है कोने का, कोने वाला। इस कोने के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल से खींचेंगे। इसकी जो नेट फोर्स आएगी, लेट अस सपोज इस तरफ आ गई, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक, पानी का मॉलिक्यूल जो वहां ग्लास के साथ लगा हुआ है उसको बाकी पानी के मॉलिक्यूल खींचेंगे, तो नेट फोर्स मान लो इस तरफ आ गई। इस पानी के मॉलिक्यूल को ग्लास का मॉलिक्यूल अंदर, ग्लास का मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेगा, जिसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ एडहेशन बोलते हैं। तो ग्लास का मॉलिक्यूल चाहता है कि पानी का मॉलिक्यूल जो है वो उसकी तरफ आ जाए, और पानी के चाहते हैं कि वो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ जाए। दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स। एक इसका कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? हॉरिजॉन्टल इसका, और एक क्या आएगा इसका? वर्टिकल। ठीक, अब देखो जो मेन कंपटीशन है वो इसके और इसके बीच में होने वाला है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल फोर्स चाहती है पानी का मॉलिक्यूल थोड़ा नीचे जाए, नीचे जाए, इसको बाद में डिस्कस करते, पर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, उतनी ज्यादा जा नहीं पाएगी। क्यों? नीचे जगह ही नहीं, पहले लिक्विड है वहां, तो लिक्विड लिक्विड के अंदर कैसे जाएगा? अब होगा क्या, या तो ये वाली फोर्स इससे बड़ी होगी या ये वाली फोर्स इससे बड़ी होगी। मान लो एक मिनट के लिए एडहेजन की फोर्स इससे बड़ी है, ग्लास की फोर्स ज्यादा बड़ी लग गई, जैसे 10 न्यूटन या 2 न्यूटन। अब पानी का मॉलिक्यूल कहां जाएगा? ग्लास के अंदर। अब इमेजिन करो ये एक वॉल है सामने, इस वॉल पे यहां तक पानी है, यहां तक पानी है, जगह है नहीं, और ग्लास का मॉलिक्यूल खींचता जा रहा है, तो क्या होगा? जगह नहीं होगी तो कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यहां पे, ये रहा। अगर जगह है नहीं और फोर्स इस तरफ ज्यादा लग रही है, तो ये पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको जाना तो है, फोर्स तो लगेगी, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जितने भी कंटेनर के साथ के मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर सरफेस आप कुछ ऐसी देखोगे लिक्विड की, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो बेसिक रीजन इसका यही है कि ग्लास की जो फोर्स है बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर फोर्स,
ऑफ वाटर वाटर फोर्स, जो पानी पानी की फोर्स है तो वो कम पड़ जाती है और ग्लास की फोर्स ज्यादा पड़ जाती है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। निष्कर्ष कैसे बनते हैं? इसका मतलब कि ग्लास जो है वो बहुत तेजी से इसको खींच रहा है और जिस वजह से ये इसको जगह तो मिल नहीं रही तो ये ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। और कंटेनर ऐसा होगा, लिक्विड ऐसा होगा, वो डिपेंड करेगा उनके बीच में कितनी फोर्स होगी। तो स्ट्रांग फोर्स लगाएगा तो मेनिस्कस बहुत ज्यादा शार्प बच जाएगा, पर मेनिस्कस बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर कंटेनर ऐसा है ना तो मेनिस्कस साइड पे ऐसा बनेगा कंटेनर के साथ, बीच में कुछ नहीं होगा, बीच में फ्लैट रहेगा। बीच में थोड़ा ना ग्लास है, ग्लास तो कॉर्नर्स पे है ना, कंटेनर तो कॉर्नर को, तो कॉर्नर कॉर्नर पे पानी ऊपर चढ़ जाएगा, बीच में ऐसे रहेगा, ऐसे कंटेनर में फिर ऐसे, या ऐसे कंटेनर में ऐसे। कंटेनर तो गोल है ना, स्फेरिकल, ठीक। तो स्फेरिकल में कॉर्नर से मेनिस्कस ऊपर चढ़ जाएगा पानी, बीच में फ्लैट है, ठीक, इमेजिन कर पा रहे हो इसे। और उल्टा भी तो हो सकता है, अगर ये फोर्स उससे बड़ी हो गई, अब बड़ी हो गई तो मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचना स्टार्ट कर देगा, ग्लास खींच नहीं पाएगा, तो मेनिस्कस इस शेप में आ जाएगा। स्पेशली मरकरी, मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, जिस वजह से मरकरी एक दूसरे पे चिपकती बहुत है, तो कंटेनर पे चिपकती नहीं है। मरकरी खाली कर दो, कंटेनर गीला ही नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही निकलाएगा, पूरी मरकरी दूसरी मरकरी को खींच लेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट, इसके अंदर सपोज करो जैसे ये कंटेनर है और ये आपने मेनिस्कस ऐसे बनाया इसका साइड से, या फिर आपने ऐसे बना दिया साइड से जैसे बना हुआ है, तो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इसके ऊपर, टेंजेंट, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस सरफेस के ऊपर,
इमेजिन करो एक मेनिस्कस का जो कर्व्ड है पोर्शन, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट इस ग्लास के साथ जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट नाम से ही पता लग रहा है, किसके साथ कांटेक्ट, ग्लास के साथ कांटेक्ट, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं यहां पर ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ग्लास के साथ, ऊपर वाला ग्लास नहीं, लिक्विड के अंदर वाला ग्लास जो है नीचे, इसके साथ ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मरकरी में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90, और किसी और लिक्विड में वाटर जैसे के साथ लेस देन 90। इसको ऐसे याद करते हैं कि जिनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होगा उनकी सरफेस ऊपर को जाएगी, यानी कि वो ग्लास के साथ चिपकेंगे, जब लिक्विड पानी चिपकता है ग्लास की फोर्स यानी कि ज्यादा है, तभी लिक्विड ऊपर चढ़ गया और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90। जो लिक्विड दूर भागते हैं ग्लास से मरकरी जैसे और चिपकते नहीं, उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 होता है। पर बनता कैसे है एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्लियर है यहां तक कि कैसे बनाना है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है यहां तक। अब डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट डिफरेंट मेनिस्कस है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी फोर्स है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का, जो कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होगा, गिवन होगा, नहीं तो आप कैसे निकाल लोगे, फोर्सेस से आप निकाल नहीं पाओगे। अब जो लिक्विड सॉलिड से चिपकता है, जैसे वाटर है, वाटर को अपने ग्राउंड पे घेरा और वो फैल जाता है, मरकरी को घेरोगे ना तो वो चिपकेगी नहीं ग्राउंड से, मरकरी मरकरी को चिपक के एक स्फेयर बना लेगी, ऊपर आ जाएगी पर ग्राउंड से दूर भागेगी। ठीक, तो अगर पानी का ड्रॉप गिरा और वो इस तरीके से फैल गया, ये शेप एक्वायर कर गया, अब इसमें अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे ये एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा। लेकिन अगर यही डायग्राम, और इसका मतलब ये वाटर है और वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर वाटर चिपकता है, इट विल वेट द सरफेस, इसको वेटिंग ऑफ सरफेस बोलते हैं, गीला करेगा सरफेस को, तो गीला वो करेगा जो चिपकेगा, और जो जितना चिपकेगा उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उतना ही छोटा होगा। लेकिन अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, जैसे ये रहा मरकरी, मरकरी को घेरा तो ग्राउंड से चिपकेगी नहीं, मरकरी मरकरी बना लेगी ऊपर की तरफ, चिपक ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे नहीं आएगी, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो लिक्विड में बनेगा ग्रेटर देन 90। तो जो कि मैंने यहां से बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है तो वो सरफेस को, ग्लास को वेट नहीं करेगा, लेकिन जिसका लेस देन 90 है वो ग्लास को वेट करेगा, वो गीला कर देगा। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये तो अपने अपनी नेचर ऑफ लिक्विड है, जिसकी जो नेचर होगी वो वेट करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक,
चलो ठीक, नेक्स्ट वेटिंग ऑफ सरफेस क्लियर है मेरे ख्याल से, ये क्लियर है। शेप ऑफ मेनिस्कस इन अ नैरो ट्यूब, तो एक नैरो ट्यूब है, ये ट्यूब काफ़ी बड़ी बनी हुई है, इनलार्ज किया हुआ है, ये बहुत पतली है। पतली ट्यूब के अंदर जैसे ये वाटर है, इसके अंदर मेनिस्कस ऐसा होगा सच दैट यू ड्रॉ टेंजेंट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, और मर्करी के अंदर यू ड्रॉ टेंजेंट, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो मैंने अपने एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब मैं ये एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि कैपिलरी ट्यूब में मेनिस्कस ज़्यादा दिखता है बना हुआ फ्लैट, जो आप कोई भी बाल्टी लोगे या कोई भी टब लोगे उसके अंदर नहीं दिखता, कॉर्नर में बहुत हल्का दिखता है, वो भी हिलता रहता है तो देख नहीं पाते हम लोग। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब मेनिस्कस बनता है तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेनिस्कस क्लियर दिखता है वाटर का, लेकिन बड़ी ट्यूब्स में ऐसा बनता है। क्यों? कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत पतली, बहुत ही पतली, जिस वजह से यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते ही बड़े कम है, एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्लास, तो बीच में पानी है, तो हर कोई ग्लास का पार्टिकल उन बचे जो थोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स उनको अट्रैक्ट कर रहे, सारे ही तो अट्रैक्ट हो गए ऑलमोस्ट, तो इसलिए सारे ग्लास की तरफ चले गए, तो बीच में तो बहुत कम बच गए, तो इसलिए एक मेनिस्कस ज्यादा दिखेगा। पर यहां पर ग्लास बहुत दूर है इस मॉलिक्यूल से, तो ये तो फ्लैट ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कॉर्नर जो है वो ऊपर चढ़ जाएंगे और ये फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूं, पास 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 छोटा 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 करता जाऊं, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये ऐसी रखो, लेकिन ये वाला पोर्शन अगर बहुत पास ले आऊं तो मर्ज हो गया, तो मेनिस्कस ज्यादा दिखेगा आपको, फ्लैट कम दिखेगा। तो फ्लैट तब दिखता है जब सरफेस बीच, जब आपका साइज जो कैपिलरी का काफी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ऐसे मर्करी के अंदर है, मर्करी में मेनिस्कस उल्टा बनता है, ऊपर की तरफ, इस पे नीचे बनता है, तो मेरे को समझ में आ रहा है यहां तक मेनिस्कस कैसे बनते हैं? ठीक, वो पूछ रहे हैं कि ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कि ये जो ये वाटर है, ये मरकरी है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड, जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर मैंने शायद लिखा भी होगा कहीं जरूर, हाँ, फॉर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है, प्योर वाटर और ग्लास में 0 होता है, एंड प्योर वाटर एंड ग्लास 0 का मतलब समझते हो, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है प्योर वाटर, तो जिस वजह से ये मेनिस्कस कुछ ऐसा हो जाता है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही आता है। ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास में 8 डिग्री होता है, तो थोड़ा बहुत मेनिस्कस दिखता है, जो हम लैब में काम करते हैं तो मेनिस्कस दिखता है आपको उसमें, ऑर्डिनरी वाटर है। और सिल्वर और ग्लास में 90 समझते हो, 90 का मतलब ये ना, 90 मीन्स कि एंगल कितना है, 90 का मतलब यू ड्रॉ टेंजेंट, तो यानी कि एकदम फ्लैट है, फ्लैट है, तो एडहेजन और कोहेजन की फोर्स एकदम बराबर बराबर है ना, जितनी फोर्स ग्लास लगाएगी उतनी फोर्स हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। तो यहां तक क्लियर है, पहले कैपिलरी, इसको पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट जो मुझे पॉइंट बताना है इसमें,